कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरएसएस और भाजपा पर ट्वीट के जरिए निशाना साध रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर कहा कि महात्मा गांधी को मारने के लिए नाथूराम गोडसे ने जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया उसे ग्वालियर के परचूरे ने ही उसे दी थी। परचूरे कौन था, इस बारे में थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है। दिग्विजय ने ट्वीट में कहा, जिस परचूरे का नाम लिया है उनका पूरा नाम डॉक्टर डी एस परचूरे था। वो ग्वालियर में एक हिंदू संगठन के प्रमुख थे। गांधी जी के हत्यारे को पिस्टल ग्वालियर के परचूरे से मिली थी। दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट कर सिंधिया परिवार पर निशाना साधने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर परचूरे ने अपने एक परिचित के जरिए पिस्टल का सौदा नाथूराम गोडसे से करवाया था और राम मंदिर के पास 500 रुपए में पिस्टल उपलब्ध करवाई थी। इसके बाद उसने स्वर्ण रेखा नदी के किनारे 10 दिनों तक फायरिंग की प्रैक्टिस भी की। इसके बाद वो महात्मा गांधी को मारने के लिए दिल्ली रवाना हो गया। उस दौरान सिंधिया रियासत में बंदूक या पिस्टल खरीदने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी, इसीलिए गोडसे ने ग्वालियर को ही चुना था। विदेशी पिस्टल ग्वालियर कैसे पहुंची इसकी भी एक रोचक कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंधिया की सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वीवी जोशी के साथ सैनिकों को अबिसिनिया में तैनात किया गया था। इस दौरान मुसोलिनी की सेना ने इसके सामने सरेंडर किया था। हथियारों में उन्होंने एक 9mm की बरेटा पिस्टल भी थी। यही पिस्टल सिंधिया की सेना के कमांडर जोशी अपने साथ ग्वालियर ले आए थे। इसके बाद ग्वालियर के ही जगदीश गोयल ने कमांडर जोशी के परिवार से पिस्टल को खरीद लिया था। फिर कुछ समय बाद उसने यह नाथूराम गोडसे को बेच दी थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।